अरे नर्स, तुम रेडी हो बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए? बड़े दिनों बाद हम बच्चों को इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। तुम्हें तो पता है ना, बच्चे कितना ज्यादा परेशान करते हैं। कोई भी बच्चा आसानी से इंजेक्शन लगाता ही नहीं है। और हम इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में आए हैं। मैंने सुना है यहाँ पर बहुत ही शरारती बच्चे हैं। क्या तुम रेडी हो नर्स, स्कूल के सारे बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए? अरे जी डॉक्टर मैडम, मैं रेडी हूँ। बड़े दिनों के बाद हम बच्चों को इंजेक्शन लगाने वाले हैं, इंजेक्शन लगाने वाले हैं। डॉक्टर मैडम, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये देखिए, मैंने बच्चों को मनाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया निकाला है। बच्चे यू फटाफट सारे बच्चे इंजेक्शन लगा लेंगे। जो भी बच्चा इंजेक्शन लगाएगा उसे मिलेंगी इतनी बड़ी चॉकलेट। और डॉक्टर मैडम देखना, ये चॉकलेट की लालच में सारे के सारे बच्चे इंजेक्शन लगाएंगे। कोई भी मना ही नहीं कर पाएगा। मैं सभी बच्चों को अच्छे से मना लूंगी इंजेक्शन लगाने के लिए। बस आप इतना बड़ा इंजेक्शन छुपा के रख दीजिए, ये इतने बड़े इंजेक्शन को देखकर ही बच्चे डर जाएंगे। अरे नर्स, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं भी बहुत होशियार हूँ। देखो मैंने इंजेक्शन कितनी अच्छी जगह छुपाया है, बच्चों को तो दिखेगा ही नहीं। चलो हम इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में तो पहुंच गए हैं। सबसे पहले इधर वाली क्लास से शुरू करते हैं। जल्दी से चलो, टीचर्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ डॉक्टर मैडम, आ रही हूँ। हाँ। अरे इतनी सारी चॉकलेट उठा के तो मैं थक जाती हूँ। अब तो स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, सभी को इंजेक्शन लगाना होगा। मैं सभी को चॉकलेट दूंगी। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आ रही हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है सुहाना की स्कूल। अली आज तो टीचर कुछ कह ही नहीं रही है। क्लास जब से स्टार्ट हुई है टीचर बस बोर्ड पर लिखी जा रही है। टीचर क्या हमने इंग्लिश की बुक निकालना? नहीं सुहाना, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आज स्कूल में कोई भी पढ़ाई नहीं होने वाली है। आज आपका स्कूल में इंजेक्शन डे है। इंजेक्शन डे? ये नहीं हो सकता। अरे पिंकी, तीन तीन बार रिपीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज तुम सबका इंजेक्शन डे है। कुछ ही देर में डॉक्टर्स आ रहे हैं स्कूल में और तुम सबको इंजेक्शन लगाने वाले हैं। और जो भी बच्चा इंजेक्शन नहीं लगाएगा उसे इस बड़े वाले डंडे से पनिशमेंट दी जाएगी। और कोई भी बच्चा शरारत मस्ती नहीं करेगा। सभी बच्चे अच्छे से इंजेक्शन ले लेंगे। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया है ना? पहले ये क्या शूफिया, आज तो हम बहुत बुरी तरह फंसे। इंजेक्शन? अली नहीं, मुझे तो इंजेक्शन नहीं लेना है। अली शूफिया, अब हम इंजेक्शन से कैसे बचेंगे? अली सुहाना, तुम फिकर मत करो, हम कोई ना कोई तरकीब लगा लेंगे। अली शूफिया, वो सब तो ठीक है लेकिन कैसे? अरे टीचर, ये तो बड़े नाइंसाफी है। आपने तो कल हमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्या आज इंजेक्शन डे है? अरे पिंकी, अगर मैं तुम सबको कल ही कह देती तो आज स्कूल में कोई भी नहीं आता था। तुमने क्या मुझको इतना बेवकूफ समझा है? आखिर मैं भी तो तुम्हारी टीचर हूँ। ले ये टीचर ने तो बिल्कुल सही कहा, अगर हमें कल ही पता चल जाता तो आज तो हम स्कूल आते ही नहीं थे। मैं तो घर पर कोई भी बहाना बना लेती थी और स्कूल की छुट्टी मार लेती थी। अरे मुझे कोई तो इंजेक्शन से बचा लो, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है। अब आज हमें से कोई भी नहीं बचेगा इंजेक्शन से, सबको इंजेक्शन लगेगा। चलो स्टूडेंट, सभी खामोशी से बैठेंगे, मैं डॉक्टर्स को देखकर आती हूँ। ना जाने डॉक्टर्स कहाँ तक पहुँचे हैं। अली सुहाना प्लीज, हम सबको बचा लो, हम सबको इंजेक्शन नहीं लगाना है। मुझे भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अली अब तो कुछ सोचना होगा। अली वाह आइडिया, चलो हम सब टॉयलेट की छत के ऊपर छुप जाते हैं। अली भागो भागो, उससे पहले की क्लास में डॉक्टर्स की एंट्री हो जाए। अली सुहाना मेरे लिए तो लुको, मैं भी तुम्हारे साथ छुपूंगी। और ऐसे ही सारे बच्चे क्लास में से भाग जाते हैं। अरे देखते ही देखते पूरी क्लास खाली हो गए, सारे के सारे बच्चे भाग गए। अरे पर मैं क्यों अकेले बैठू इस क्लास में? चलो जल्दी से, मैं भी कहीं पर जाकर छुप जाती हूँ। अली भागो जल्दी भागो, अली मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है। अली वाह, ये है छत पर जाने की सीढ़ियाँ। अली चलो जल्दी से छत पर जाती हूँ। अली सुहाना, अब जल्दी से सीढ़ियों को ऊपर खींच लो, अगर और ज्यादा बच्चे आए ना तो डॉक्टर हमें देख लेंगे और फिर हम पकड़े जाएंगे। अली हाँ शोफिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अली चलो सीढ़ियों को ऊपर खींच लेती हूँ। अली सुहाना, तुम्हें क्या कर रही हो? तुमने सीढ़ियों को ऊपर क्यों खींच लिया है? हमें भी तो
है। अली शोली चिंकी मिंकी, आप चटपल जगह नहीं है, तुम नीचे कहीं पर भी छुप जाओ। अली अब जल्दी से हमें कहीं पर छुपना होगा। अली वाह मिंकी, ये कैसी जगह है। चलो मिंकी जल्दी से तुम भी अंदर आ जाओ। अली वाह चिंकी, तुमने तो कितनी अच्छी जगह ढूंढ निकाली है। अली चलो मैं भी अंदर आ जाती हूँ। अली भागो भागो भागो, अली मैं कहाँ पर छुपूं। अली वाह चलो इस टेबल के नीचे छुप जाती हूँ। अले पिंकू, अब हम दोनों भी कहाँ पर छुपेंगे। अले अभी नो फियर, पिंकू इज हियर। ये है ना इतनी बड़ी टॉयलेट, चलो अब हम यहाँ पर ही छुप जाते हैं। अले वाह पिंकू, तुमने तो बहुत ही अच्छी जगह ढूंढ के निकाली है। पिंकू अब जल्दी से डोल बंद कर दो। अले हाँ बिल, तुम फिकर मत करो, मैं डोल लगा रहा हूँ। अले भागो भागो भागो, अले इतना सन्नाटा, अले ऐसा लगता है सबके सब कहीं ना कहीं छुप गए हैं। अरे अब मैं कहाँ पर छुपूं? अरे चलो इधर जाकर देखती हूँ। अरे इधर तो पूरा खुला एरिया है, इधर तो मैं जल्दी से पकड़े जाऊंगी। अरे अब मैं कहाँ पर छुपूं? अरे मुझे जल्दी से छुपना होगा, नहीं तो टीचर्स और डॉक्टर्स आ जाएंगे। अरे चलो एक काम करती हूँ, टॉयलेट के अंदर ही छुप जाती हूँ। अरे चलो जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा खोलती हूँ। अले चिमकांदी जल्दी से डोल बंद कर, और लेडी अबिल और मैं यहाँ पर छुपे हुए हैं। अले हाँ पिंकू के बच्चे, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। अले मैं कहाँ पर छुपू? अरे चलो इस टेबल के पीछे छुप जाती हूँ, अब तो टीचर और डॉक्टर मुझे ढूंढने लग जाएंगे। और यहाँ पर सभी बच्चे छुप जाते हैं। अरे डॉक्टर्स आइए आइए, पूरी क्लास में बच्चे बैठे। अरे ये क्या, ये सारे के सारे बच्चे कहाँ पर चले गए। अरे ये क्या, क्लास के बच्चे तो इधर ही बैठे हुए थे, और अचानक में भयानक ये सारे के सारे बच्चे कहाँ पर गायब हो गए। अरे मुझे तो ऐसे लगता है इंजेक्शन से डर के सारे बच्चे क्लास से बाहर भाग गए हैं। हाँ अरे इतनी सारी चॉकलेट्स पकड़ के तो मैं थक गई हूँ, चलो नीचे रख देती हूँ। अरे डॉक्टर मैडम ये क्या, ये तो पूरी क्लास खाली है। अरे डॉक्टर मैडम आज कहीं संडे तो नहीं है, इसीलिए पूरी क्लास खाली है। अरे आज मेरी मेहनत ऐसी ही बर्बाद हो गई, इतनी मेहनत से इतनी सारी चॉकलेट्स उठाकर लेकर आई है। आज तो संडे है डॉक्टर मैडम, आपको इतना भी नहीं पता, और आप स्कूल आ गई इंजेक्शन लगाने के लिए। अरे नर्स आप चुप भी कर जाओ, एक ही सांस में तुम कितनी सारी बातें करती हो। आज संडे नहीं, आज मंडे है, हम बिल्कुल सही वक्त पर स्कूल आए हैं, और तुम्हें दिख नहीं रहे हैं क्लास में इतने सारे बैग्स रखे हुए हैं। अरे वाह डॉक्टर मैडम, आपकी नजर उतारू मैं, आप तो कितनी ज्यादा होशियार है। आपने सिर्फ ये बैग देखकर पता लगा लिया है कि आज स्कूल में बच्चे आए हैं, आज कोई संडे नहीं। अरे डॉक्टर मैडम आप कितनी इंटेलिजेंट हो। वैसे डॉक्टर मैडम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों को इंजेक्शन लगाए बाद आप मुझे पिज्जा पार्टी देने वाली है ना। अरे नर्स फिर से तुम घूम फिर कर पिज्जे पर आ गई हो, पहले बच्चों को इंजेक्शन लगाओ फिर बाद में मुझसे पिज्जे की बात करना। अरे टीचर जी आपको कुछ पता है कि बच्चे कहाँ पर जा सकते हैं? अरे डॉक्टर मैडम स्कूल के गेट पर तो मुन्ना छपरासी बैठा हुआ हूँ, वो एक भी बच्चे को बाहर नहीं छाने दिखा। हो ना हो बच्चे स्कूल के अंदर ही है, बस अब हमें बच्चों को ढूंढना होगा, चलिए बाहर ग्राउंड में ढूंढते हैं। अरे वाह पिज्जे का नाम सुनकर तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, अब सारे बच्चों को इंजेक्शन लगाऊंगी और पिज्जा खाऊंगी। ये पिज्जा पार्टी पिज्जा पार्टी। अरे मैं तो डंडा लेना भूल ही गई थी, जो भी बच्चा अच्छे से नहीं माना ना तो इस डंडे से उसको अच्छी पनिशमेंट दूंगी। सारे बच्चों को इंजेक्शन आज मैं लगा के रहूंगी। अरे ना जाने सारे के सारे बच्चे कहाँ पर चले गए हैं, मैंने तो पूरा ग्राउंड देख लिया है लेकिन बच्चे तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। सुहाना सोफिया फेंको चेंके मेंके। अरे ना जाने ये सारे के सारे बच्चे कहाँ पर चले गए हैं, मुझे तो एक बच्चा नजर नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलो यहाँ पर बैठ जाती हूँ। हाँ अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ ये चॉकलेट पकड़ पकड़ के, चलो मैं भी यहाँ पर बैठ जाती हूँ। टीचर बच्चों को ढूंढ रही है ना, जैसे ही बच्चे हमें मिल जाएंगे हम सभी बच्चों को फटाफट इंजेक्शन लगा देंगे। अरे पिंकू देख रहे हो
कितना बड़ा इंजेक्शन है। अरे नहीं, मैं तो इंजेक्शन नहीं लगाने वाला हूँ। अरे अभी तुम क्या बस इंजेक्शन को ही देख रहे हो? अरे चॉकलेट्स भी तो देखो, वो नर्स मैडम ने तो कितनी सारी चॉकलेट्स लेकर आई है। मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा है। अरे सोफिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने इतना बड़ा इंजेक्शन भी लेकर आया है, लेकिन चॉकलेट भी कितनी बली बली है। काश उसमें से हमें एक चॉकलेट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अली सोफिया, तुम फिकर मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। अली फा आईडिया। अरे टीचर, बच्चे मिले क्या? अरे डॉक्टर मैडम, मैं भी बच्चों को जाकर ढूंढती हूँ। अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलो थोड़ी सी झपके मार लेती हूँ। अली सोफिया, जल्दी से खींचो, मैंने चॉकलेट को ले लिया है। अली खींचो, अलार्म से खींचो। अरे ये चुहना वो क्या कर रहा है? ये अली वाह, एक चॉकलेट टूप आ गई है। अली सोफिया देखो, हमने कितनी बड़ी चॉकलेट ली है। अले पिंकू देखो, मेरे सामने ही इंजेक्शन है, चलो मैं इस खिड़की में से इसे खींच लेता हूँ। नो 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 नो। अले वाह अबिल, हमने तो इंजेक्शन को अंदर ले लिया है, अब डॉक्टर कैसे इंजेक्शन लगाएंगे? अली सुहाना प्लीज, हमें भी चॉकलेट चाहिए, हमें भी ऐसी लाकर दो ना, हम तुम्हें पीछे से पकड़ेंगे। अच्छा ठीक है मुली, लेकिन मुझे छोड़ना मत, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। अली नूली मुली, थोड़ा और नीचे और नीचे। अली चलो आराम से, अभी बली वाली चॉकलेट उठाऊंगी। नूली मुली मुझे खींच लो। थैंक यू सो मच, तुमने तो हमें कितनी बड़ी चॉकलेट लाकर दी है। अली नूली मुली सोफिया, अब छोड़ो इंजेक्शन का टेंशन और चॉकलेट्स के मजे लो। अरे चलो सोफिया, नूली मुली चॉकलेट के कितना मजे कर रहे हैं। अरे ये चॉकलेट तो मेरे से कितने नजदीक है, चलो जल्दी से मैं भी दो चॉकलेट ले लेती हूँ। अरे चलो अलम अलम से निकालती हूँ, कहीं डॉक्टर को आवाज ना आ जाए। अरे वो मुझे तो दो दो चॉकलेट मिले हैं और वो भी इतनी बड़ी बड़ी। अरे नर्स टीचर, बच्चे मिल रहे हैं कि नहीं? अरे डॉक्टर मैडम, टीचर ने और मैंने पूरा ग्राउंड देख लिया है, बच्चे तो कहीं पर भी नहीं है। अरे मोरी मैया, डॉक्टर मैडम आपने ये क्या किया, आपने बच्चों की सारी चॉकलेट्स खा ली। अरे नर्स, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, भला मैं क्यों बच्चों की चॉकलेट्स खाऊंगी? अरे ये क्या, ये बच्चों की चॉकलेट्स कहाँ पर चली गई? और इंजेक्शन भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अरे डॉक्टर मैडम, आपको भूख लगी हुई थी ना, मैं पिज्जा ऑर्डर करके मंगा लेती थी, बच्चों की चॉकलेट्स खाने की क्या जरूरत थी आपको? आपने तो सारी चॉकलेट्स खा ली है, अब हम बच्चों को क्या देंगे? अब तो बच्चे इंजेक्शन नहीं लगाने वाले हैं डॉक्टर मैडम, अब चलिए हॉस्पिटल, आज का काम हमारा खत्म हो गया है। आपने चॉकलेट्स को नहीं खाना चाहिए था। अरे नर्स, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैंने बच्चों की चॉकलेट्स नहीं खाई है। और ये बच्चे ना जाने कहाँ पर चले गए हैं, आज मैं आए ना तो सब कुछ देख लूंगी मैं। बहुत ही ज्यादा बच्चों ने परेशान करके रखा है, ना जाने कहाँ पर छुप गए। अरे ये डॉक्टर और ये नर्स क्यों लड़ रहे हैं, चलो देखती हूँ। अले अबीर, इतना बड़ा इंजेक्शन देखकर तो मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ गई है, और वैसे भी हम टॉयलेट के अंदर ही है, चलो मैं यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ। अले पिंकू, तुम ये क्या कर रहे हो, कितनी गंदी दुर्गंध है, तुम टॉयलेट से कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्या? मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। अले अब मुझे ये और बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नर्स, मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मैंने चॉकलेट नहीं खाई। अरे ये कौन है? अरे तो यहाँ पर बच्चे छुपे हुए हैं। नर्स जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा खोलो। अरे डॉक्टर मैडम, अभी खोलती हूँ। अरे चलो, ये दरवाजा खुलने से पहले ही मैं फ्लैश हो गया। अरे लेकिन अभी हम तो पकड़े गए। अरे पिंकू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे पिंकू अबीर, तुम दोनों भी यहाँ पर छुपे हुए हो, हो ना हो, अब सारे स्टूडेंट्स यही कहीं पर ही छुपे हुए हैं। अब मैं सबको ढूंढ के निकालती हूँ। अली ये पिंकू और अबीर की वजह से अब हम सब पकड़े जाएंगे। अली चिंकी, आई एम लली शोली, मुझे बहुत जोर से छींक आ रही है। अच्छू अच्छू। अरे फा चिंकी मिंकी, अब तुम दोनों भी पकड़े गयी हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। अली ये कौन है दरवाजे के पास, मुझे लग गयी। अरे फा रिंकी, तुम यहाँ पर हो, तुम भी पकड़े गयी, चलो जल्दी से इधर आ जाओ। अरे ये बच्चे भी ना कैसे एक से एक जगह पर छुपे हुए हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक बच्ची छुपी हुई है और इसके पास है चॉकलेट। अरे स्वीटी मैडम जल्दी से आइए, इधर भी एक बच्ची छुपी हुई है। अरे क्या क्या, मैं तो पकड़े गए।
चलो पिंकी अब जल्दी से बाहर आ जाओ, बहुत अच्छी जगह थी छुपने की। सभी बच्चे बाहर आ जाए और इधर लाइन से खड़े हो जाए इंजेक्शन लगाने के लिए। अरे चलो पिंकी बाहर आ जाओ, हम तो पकले गए। अरे मैं ऐसे कैसे पकले गए? अरे चुहाना छोपिया नूली मुली तो छत के ऊपर है, हमें इंजेक्शन लगेगा और वो लोग बच जाएंगे, ऐसा हो सकता है? अरे टीचर टीचर, चुहाना छोपिया नूली मुली सब टॉयलेट की छत के ऊपर है और उनके पास चॉकलेट भी है। अरे ये क्या, सोफिया पिंकी ने तो हमारा नाम बोल दिया है कि हम छत के ऊपर छुपे हुए हैं। और चलो सुहाना सोफिया नूली मुली सब नीचे आ जाओ, हमें पता चल गया है कि तुम छत के ऊपर हो। और सुहाना सोफिया नीचे आने लगते है। अरे क्या शरारती बच्ची है, बच्चों ने तो इंजेक्शन को टॉयलेट के अंदर छुपाया हुआ है। अरे चलो ले लेती हूँ। चलो अब जल्दी से सब इंजेक्शन लगा लो अच्छे से, इंजेक्शन तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। चलो बच्चों सभी अच्छे से इंजेक्शन लगा लो, फिर हम तुम्हें अच्छी बड़ी चॉकलेट देंगे। अरे बच्चियों तुम सब बहुत छोटी हो, तुम्हें हैंड पर इंजेक्शन नहीं लगेगा। अरे ठीक है डॉक्टर मैडम, हम समझ गए। अरे अभी इतना बड़ा इंजेक्शन अब हमें भी कहीं। अरे डोंट वरी बॉयज, तुम दोनों को भी अपने हैंड पर इंजेक्शन लगेगा। चलो अब जल्दी से अपने अपने हैंड आगे करो। अरे अभी डॉक्टर तो मेरी तरफ आ रही है, अरे ये इंजेक्शन कितना बड़ा है। चलो बच्चियों अपने अपने हैंड आगे करो। बच्चों को इंजेक्शन लग गए हैं। अरे चलो अब मैं सारे बच्चों को चॉकलेट्स बांट देती हूँ। और यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने चॉकलेट्स खाने लगते हैं। नम 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 नम। अरे वाह, ये चॉकलेट तो कितनी ज्यादा टेस्टी है, चलो जल्दी खाती हूँ। नम 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 नम। दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।